प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डेली महोदय द्वारा प्रतिपादित स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थियोरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण के महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। डेली महोदय ने 1926 ईस्वी में अवर मोबाइल अर्थ नाम की एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें इन्होंने स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थियरी का उल्लेख किया है। डेली महोदय की का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है। डेली महोदय का उद्देश्य था धरातल पर विभिन्न उच्चावचों, विभिन्न रिलीफ फीचर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करना, लेकिन खास करके इनका उद्देश्य था पर्वत निर्माण की व्याख्या करना। डेली महोदय पर्वतों की उत्पत्ति के कारकों, काजेस और उसकी प्रक्रिया का विशद उल्लेख करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अन्य स्थलाकृतियों के विषय में भी प्रकाश डाला है। डेली महोदय के अनुसार पृथ्वी की संरचना क्रस्ट और सबस्ट्रेटम से हुई। क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट सेल से हुआ जो भारी थी, और उसके नीचे सबस्ट्रेटम का निर्माण जो है वो ग्लासी बेसाल्ट से हुआ जो क्रस्ट के ग्रेनाइट की तुलना में हल्की थी। अर्थात क्रस्ट का भारी घनत्व था, उसके नीचे सबस्ट्रेटम का कम घनत्व था। लेकिन संतुलन के सिद्धांत के अनुसार डेली महोदय की यह मान्यता सही नहीं है। डेली महोदय ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कई स्वयं सिद्ध तर्कों को उपस्थित किया था, जिसको अंग्रेजी में एक्जियम कहते हैं। इस थियरी इज बेस्ड ऑन सेवरल सेल्फ प्रूव्ड अज्यूम फैक्ट्स विच वी कॉल एक्जियम्स, और इस एक्जियम्स को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है। अब डेली महोदय के अनुसार प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले क्रस्ट का निर्माण हुआ, और इस क्रस्ट का नामकरण इन्होंने रखा प्रिमिटिव क्रस्ट, प्रारंभिक प्राचीन भूपर्पटी। और उस समय कुछ दृढ़ भूखंड थे, देयर वेयर सर्टेन रिजिड मासेस, और इनका केंद्रण जो था, कंसंट्रेशन था, वो ध्रुवों के पास और इक्वेटर के पास था। इस तरह से कुल मिलाकर के तीन बृहद दृढ़ भूखंडों का मास था, उत्तरी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के पास। इन दृढ़ भूखंडों का नामकरण उन्होंने, डेली महोदय ने किया डोम्स, गुंबद। तो इस तरह से तीन गुंबद माने तीन दृढ़ भूखंडों का मास था, नॉर्थ पोलर डोम्स, साउथ पोलर डोम्स और इक्वेटोरियल पोलर डोम्स। ये वास्तव में कॉन्टिनेंटल पार्ट्स थे, और इन दो पोलर डोम्स के बीच में डिप्रेस्ड भाग, निचले भाग थे, जलीय भाग थे, यानी वो सागरीय भाग थे, जिसको इन्होंने बताया मिड लैटिट्यूड फरोज, मध्य अक्षांशीय गर्त, मिड लैटिट्यूड फरोज, जो उत्तरी ध्रुव, ध्रुवीय पोलर डोम, इक्वेटोरियल पोलर डोम के बीच, और दूसरा इक्वेटोरियल पोलर डोम और साउथ पोलर डोम के बीच, ये मिड लैटिट्यूड फरोज थे। और बाकी क्षेत्र पर
प्रिमेबल यानी प्राचीन प्रशांत महासागर का विस्तार था। इस तरह से भूमंडल पर लगभग 50% भागों पर जलीय विस्तार था और 50% भाग पर दृढ़ भूखंडों स्थली या महाद्वीपीय भागों का विस्तार था। उत्तरी ध्रुवीय पोलर डोम्स, नॉर्थ पोलर डोम्स और इक्वेटोरियल पोलर डोम्स के बीच में जो मिड लैटिट्यूड फरोज था, उसका नामकरण डेली महोदय ने टेथिस सी कहा है। और इस तरह से मिड लैटिट्यूड फरोज को इन्होंने भूसन्निति जियोसिंक्लाइन के रूप में लिया है। यहाँ याद रखिएगा, सामान्य रूप में जियोसिंक्लाइंस आर लॉन्ग नैरो एंड शैलो वाटर मोबाइल वाटर बॉडीज। भूसन्नतियाँ प्रायः लंबी सकरी और छिछली होती हैं, लेकिन डेली महोदय ने तो पूरे महासागरी भागों को ही भूसन्नत के रूप में जियोसिंक्लाइन के रूप में इन्होंने ले लिया। अब जो है आगे चल कर के ये बताते हैं डेली महोदय कि जो महाद्वीपी भाग या डोम एरिया थे यानी गुंबदी क्षेत्र थे या महाद्वीपी क्षेत्र जो नॉर्थ पोलर डोम, इक्वेटोरियल पोलर डोम और साउथ पोलर डोम, इनके अपरदन से उत्पन्न सेडिमेंट्स अवसादों का इन मिड लैटिट्यूड फरोज अर्थात जियोसिंक्लाइन में जमाव होता गया। और इस तरह से जो इन भूसन्नतियों की तली यानी महासागरी की तली यानी ओसनिक क्रस्ट पर तीन तरह का दबाव पड़ रहा था, नंबर एक ऊपर स्थित जलीय भार का, नंबर दो उसमें जमा होने वाले अवसाद सेडिमेंट्स का, जिस कारण महासागरी क्रस्ट की तली अर्थात जियोसिंक्लाइन की तली में नीचे अवतलन होता गया। तो ये दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थीं, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। साथ ही साथ केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न ग्रेविटेशनल फोर्स का सर्वाधिक प्रभाव ओसनिक क्रस्ट पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय भाग की तुलना में ओसनिक क्रस्ट पृथ्वी के केंद्र के काफ़ी करीब था। तो नतीजा क्या हुआ कि महासागरी भाग में यानी भूसन्नतियों में लगातार अवसादीकरण सेडिमेंटेशन के और जलीय भार के कारण धसाव और केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से आकर्षण शक्ति के कारण भी धसाव होने से भूसन्नति की तली लगातार नीचे धसती गई। इसके विपरीत जो है ये जो महाद्वीपीय भाग थे यानी पोलर डोम्स और इक्वेटोरियल डोम्स थे, वो इन महासागरी भागों की तुलना में ऊपर उठे हुए भाग थे, तो और वो भारी पदार्थ के बने हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ये भूसन्नति की तली नीचे धसती गई, उससे टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स का जनन हुआ। टेंजेंशियल यानी संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल का जनन हुआ, जिस कारण ये जो पोलर डोम्स और इक्वेटोरियल डोम्स थे यानी महाद्वीपीय भाग जो थे वो ऊपर उठने लगे और जिस कारण उनकी ऊंचाई में वृद्धि होने लगी, लेकिन उनका भार कम होने लगा, मास वेट कम होने लगा, क्योंकि उनके पदार्थ फैलने लगे। नतीजा क्या हुआ कि उसको संतुलित करने के लिए महासागरी तली के नीचे अवसादों का बहाव महाद्वीपी भागों के नीचे होने लगा, ताकि महाद्वीपी भाग में मास की कमी ना होने पाए। जब ये महाद्वीपी भाग यानी इक्वेटोरियल और पोलर डोम्स में की हाइट में और इनके विस्तार में वृद्धि होती गई, तो जिस कारण महासागरी तली यानी ओसनिक क्रस्ट में बड़े पैमाने पर दबाव पड़ने से और ऊपर स्थित जल के भार, अवसादीय भार और पृथ्वी के केंद्र से उठने वाले आकर्षण शक्ति के कारण ये रप्चर हो गई,
इसमें टूटन हो गई, किसमें, महासागरी क्रस्ट में। नतीजा क्या हुआ कि जो पोलर और इक्वेटोरियल डोम्स थे महाद्वीपीय भाग, उनका सहारा समाप्त हो गया। द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द पोलर एंड इक्वेटोरियल डोम्स वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रप्चर एंड ब्रेकिंग ऑफ ओशनिक क्रस्ट। जब उनका सहारा ख़त्म हो गया तो ये पोलर डोम्स जो है इन जियोसिंक्लाइंस की तरफ सरकने लगे। देर स्टार्टेड डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस पोलर एंड इक्वेटोरियल डोम्स टूवर्ड्स द ओशनिक क्रस्ट। इस तरह से दो तरफ से ये पोलर इक्वेटोरियल डोम्स के भूसन्नति की तरफ सरकने के कारण उत्पन्न जो संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल, दी टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेटेड बाय द स्लाइडिंग ऑफ टू कॉन्टिनेंटल मासेस फ्रॉम टू साइड्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सेडिमेंट्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन। दो तरफ से महाद्वीपीय भागों के भूसन्नतियों की तरफ फिसलने के कारण उत्पन्न जो संपीड़नात्मक बल था, उसके वजह से ये भूसन्नत में यानी मिड लैटिट्यूड फरोज में जो अवसादों का सेडिमेंट्स का निक्षेपण हुआ था वो वलित हो गए, जिस कारण ये फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हो गया। सो द फोल्डेड माउंटेन्स वेयर फॉर्म ड्यू टू स्क्वीजिंग एंड फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड फरोज कास्ट बाई स्लाइडिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस फ्रॉम टू साइड्स। डेली महोदय ने इन पर्वतों के अन्य विशेषताओं का भी की व्याख्या करी है अपने सिद्धांत के माध्यम से, जैसे इनका वितरण प्रतिरूप डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न, इनका ओरिएंटेशन, इनका एक्सटेंट विस्तार। तो अब देखिए, जो पश्चिम से पूर्व फैले हुए पर्वत श्रेणियां हैं जैसे आल्प्स और हिमालय, इनका निर्माण कैसे हुआ? उत्तर से नॉर्थ पोलर डोम्स और दक्षिण से इक्वेटोरियल पोलर डोम्स के आमने सामने खिसकने से टेथिस सी का मलबा वलित हो गया और आल्प्स और हिमालय का निर्माण हुआ। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण फैले हुए जो राकीज और इंडीज पर्वत हैं वो इन पोलर इक्वेटोरियल डोम्स के पश्चिम की तरफ और प्रशांत महासागर के दूसरी तरफ जो जो लैंड मासेस के पूरब की तरफ खिसकने के कारण ये राकीज और इंडीज का निर्माण हुआ। इस तरह से ग्लोब पर जो पर्वतों के का विस्तार है, उनकी दिशाएं हैं, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत पर भली भांति हो जाती है। लेकिन डेली का सिद्धांत का आधा से अधिक भाग स्वयं सिद्ध तर्कों पर आधारित है। डेली मेजर पार्ट ऑफ डेली थियरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ प्रूव्ड फैक्ट्स, दैट इज एक्सियम फॉर विच डेली डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन। एंड सेकेंडली, दिस थियरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इरोनियस आइसोस्टेटिक principles. There are so many defects in the theory of Delhi. आज 14 मिनट के इस व्याख्यान में बस इतना ही। नमस्कार।